मर्ज सॉर्ट। ओके, मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, ये आपकी एक स्ट्रैटेजी पे चलता है, दैट इज डिवाइड एंड कॉन्कर। ओके, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी पे चलता है आपका मर्ज सॉर्ट। इसमें क्या होता है कि आप एक एरे को जो है पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है। जैसे आपका कोई भी लिस्टेड सपोज 8 एलिमेंट्स हैं एरे में, तो पहले आप उनको 4-4 के पार्ट्स में डिवाइड करोगे, और उसके बाद फिर आप उन फर्दर 4 को डिवाइड करते रहोगे जब तक आपका लास्ट में एक पेयर में सिर्फ 2 एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन दोनों एलिमेंट्स को आप सॉर्ट करते हैं, एंड बाद में यू अगेन स्टार्ट मर्जिंग दैम, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मर्ज सॉर्ट। एंड डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच जो है वो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट दोनों के अंदर यूज होती है। सो वी कैन से दैट मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट बोथ आर वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। आई विल एक्सप्लेन दिस बाय यूजिंग एन एग्जांपल, ठीक है। जो एग्जांपल्स मैं अभी तक पिछले सॉर्टिंग वीडियोस में जो मैंने बनाई हैं, सॉर्टिंग की वीडियोस, उसमें ले रही हूँ। आई एम टेकिंग द सेम एरे फॉर टू एक्सप्लेन मर्ज सॉर्टिंग। ओके, तो मैंने ये एरे ले लिया 10, 16, 8, 12, 15, 6, 3, 9 and 5। ओके, हमने ये एरे ले लिया। अब हमें क्या करना है, मैंने जैसे आपको कहा है कि आपको इसको डिवाइड करना है, तो ये देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑड नंबर है। तो आप इसको ऐसे लेके चल सकते हैं कि आप इसको 5 and 4 के पार्ट्स में डिवाइड, मतलब वन एरे कैन कंटेन 5 एलिमेंट्स एंड द अदर कैन कंटेन दी 4 एलिमेंट्स। ओके, लाइक इफ अगर ये 8 होते तो आप 4-4 में डिवाइड कर देते, फाइन। तो मैंने इसको 5 और 4 के पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मेरा एरे फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे अब हमारा एरे की एलिमेंट्स क्या हुए, 10, 16, 8, 12 and 15। ओके, और इसके क्या हुए, 6, 3, 9 and 5। इज इट क्लियर? तो ये आपके दो पार्ट्स में क्या हो गए, डिवाइड हो गए, फाइन। नाउ अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें डिवीजन ही करनी है। ओके, तो यहाँ पे अभी कितने एलिमेंट्स हैं, एरे है 5 का है, तो हमने इसको फर्दर किससे डिवाइड करा, हमने इसको फर्दर यहाँ पे डिवाइड कर दिया 3 एलिमेंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका जो एरे जो एलिमेंट्स आए वो आपके आए 10, 16, 8 and 12 and 15 आर सेपरेट। ओके, और यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2-2 के पेयर्स में डिवाइड हो जाएगा, 6, 3 and 9, 5। तो आपके जो एलिमेंट्स हैं जो आपके बने एरे के अंदर, जो 2-2 के ग्रुप्स बने, एक आपका ये ग्रुप बना, ठीक है, एक आपका ये बना और एक आपका ये बना, फाइन। अब जो हमारा ये वाला जो एरे है, जो आपने इनको जो फर्दर डिवाइड किया है, तो ये 3 and 2 के ग्रुप में बना है, तो अभी हमको इसको 2 के ग्रुप में या फिर 1 एलिमेंट के ग्रुप में लेना है। तो हम इसको फर्दर फिर डिवाइड कर देंगे, तो अभी ये बन जाएगा 10, 16, 8। ओके, तो अब आपके जो ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं वो क्या हुए हैं, वो बन गए हैं 10 and 16, ठीक है, 10 and 16, 8 दिस एंड दिस। ओके, तो ये आपके 1, 2, 3, 4 and 5 की पेयरिंग्स हो गई हैं, फाइन। अब हम जैसे लेफ्ट हैंड साइड में लिया था हमने, तो हम सबसे पहले यहाँ से अब मर्जिंग शुरू करेंगे। तो जब हम मर्जिंग करेंगे, उससे पहले जो हमारे पेयर्स बने हैं, दैट वी हैव टू सॉर्ट आउट। नाउ सी, दिस इज 10 and 16, दिस इज ऑलरेडी इन योर इन सॉर्टेड फॉर्म, सो यू डोंट नीड टू सॉर्ट इट। ओके, अब ये 10 and 16 है और ये है, तो अब हमें इन दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है, इन दो एरे को मर्ज करना है। ये ध्यान रखना है कि जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, तो हम इसको ऐसे मर्ज करेंगे कि हमारा रिजल्टेड एरे जो फॉर्म हो वो एक सॉर्टेड फॉर्म में फॉर्म हो। तो जब हम इसको मर्ज करेंगे तो आपका ये एरे बन जाएगा 8, 10 and 16। ओके, आपका 8 and 16 का बन गया और एक ये है, अब आपका ये बन गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने मर्जिंग कर दी, अब हमको किसकी मर्जिंग करनी है, इन दोनों की रिजल्टेड मर्ज जो आया था, ये आया था और ये आया था, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम मर्ज करेंगे, और इन दोनों को मर्ज करके हमारा जो एरे बनेगा वो क्या बनेगा, एक सॉर्टेड फॉर्म में, दैट इज 8, 10, 12, 15 and 16। ओके, तो हमारा यहाँ का जो रिजल्टेड, इधर का लेफ्ट हैंड साइड का जो मेरा रिजल्टेड एरे फॉर्म हुआ वो हमारा ये हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, फाइन, इधर जब हम देखेंगे तो
सिक्स एंड थ्री है यहाँ पे, सिक्स एंड थ्री है तो पहले हम सिक्स एंड थ्री को सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट के बाद ये बन जाएगा थ्री एंड सिक्स, और उसके बाद हम इन दोनों को सॉर्ट करेंगे तो दिस विल बिकम योर फाइव एंड नाइन. ओके नाउ दिस इज सॉर्टेड एंड दिस इज सॉर्टेड, तो अब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे. जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो इनका सॉर्टेड एरे क्या फॉर्म होगा, वो होगा थ्री फाइव सिक्स एंड नाइन. ओके ये आपका सॉर्टेड एरे फॉर्म हो गया. तो अब लास्ट जो हमारे दो एरे यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में हमने पूरा सॉर्ट कर लिया, राइट हैंड साइड सॉर्ट कर लिया. नाउ द रिजल्टेड एरे विल बी फॉर्म्ड, रिजल्टेड सॉर्टेड एरे विल बी फॉर्म्ड बाय मर्जिंग बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ दीज एरे मर्जिंग करी यहाँ पे, यहाँ पे भी हमने मर्जिंग करी थी. ठीक है, इन दोनों मर्ज को, इन दोनों को यूज करके जो हमारा रिजल्टेड एरे फॉर्म होगा दैट इज द रिजल्टेड सॉर्टेड एरे. तो वो हमारा क्या फॉर्म होगा, वो हमारा फॉर्म होगा देखो थ्री फाइव सिक्स, थ्री फाइव सिक्स नाइन, सॉरी एट नाइन टेन, देन कम्स योर ट्वेल्व फिफ्टीन एंड सिक्सटीन. ओके सो दिस इज थ्री फाइव सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व फिफ्टीन सिक्सटीन, दिस इज योर रिजल्टेड सॉर्टेड एरे आफ्टर मर्ज सॉर्ट. ओके सो इज दिस क्लियर, दैट डिवाइड एंड कॉन्कर पॉलिसी यूज होती है इसके अंदर. हम सबसे पहले एरेज को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारे टू की पेयरिंग ना हो जाए. जैसे यहाँ पे तो टू नेक्स्ट उसकी टू की नहीं हो सकती थी, तो इसलिए हमने इसको सिंगल ही रहने दिया. ठीक है, द एरे जो आपने डिवाइड करा है डैट शुड नॉट कंटेन मोर देन टू एलिमेंट्स इन दी पेयर. ओके पहले आपने वहां तक उसको डिवाइड किया एंड मर्ज कर दिया. हम इसको पहले डिवाइड कर रहे हैं और फिर मर्ज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच कहते हैं.